दोस्तों, कुछ समय पहले तक खाना पकाने में मूंगफली, सरसों और तिल के तेल जैसे कई शुद्ध तेलों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो चिपचिपे होते थे और उसमें से गंध आती थी। इसके बाद दौर आया रिफाइंड तेल का, जो चिपचिपा होने की बजाय हल्का होता है और उसमें गंध भी नहीं आती है। और ये भी माना गया कि हर तरह से सेहत के लिए रिफाइंड ऑयल ही बेहतरीन है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये बनता कैसे है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रिफाइंड ऑयल के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में ये आखिरकार बनता कैसे है? अगर हाँ, तो बस आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रिफाइंड ऑयल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सेहत के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में बनता कैसे है। ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक समय में भारत में काफी शुद्ध चीजें इस्तेमाल होती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के रूप में जाना जाने वाला ऑयल। पहले सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाता था, और बदलते देश की सोच के साथ में शुद्ध देसी तेल के रंग और स्मेल को बदलने के लिए रिफाइंड तेल इस्तेमाल में आने लगा। दोस्तों, अगर सोयाबीन रिफाइंड तेल बनाने की बात करें तो इसके प्रोसेस का सफर सबसे पहले शुरू होता है खेतों से। सबसे पहले खेतों में से ट्रक और ट्रैक्टर में भर भर कर लाखों टन सोयाबीन किसानों द्वारा मंडी और फिर वहां से फैक्ट्रीज में लाया जाता है। फैक्ट्रीज में पहुंचने के बाद सोयाबीन को एक एक करके साफ करने वाली मशीनों में भरा जाता है। फिर से सब सोयाबीन को एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। इस कन्वेयर में स्टोन डिटेक्टिंग इक्विपमेंट्स और मैग्नेट लगे होते हैं, जिसकी मदद से इतने सारे सोयाबीन में कहीं कोई मेटल पार्टिकल, छोटे कंकड़ पत्थर, ये सारी चीजें तो नहीं आ गई। ये सारी चीजें मशीनों के माध्यम से पता लगाया जाता है और इन्हें अलग करने का काम किया जाता है। इसके बाद सोयाबीन को दूसरे मशीन की मदद से क्रश किया जाता है। मशीन में क्रश होने से सोयाबीन के दो टुकड़े हो जाते हैं, और साथ ही साथ सोयाबीन के बीज से सोयाबीन के छिलके अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब बीजों से तेल निकाला जाता है तो काफी तेल इन छिलकों में चिपका रह जाता है। फिर अलग प्रोसेस से छिले हुए सोयाबीन को बड़े से बॉयलर में डाल दिया जाता है, जहां हाई प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर वाले उबलते हुए पानी में सोयाबीन गलने लगता है। इस गर्म पानी में गर्मी के चलते सोयाबीन गल तो जाता है, साथ ही साथ उसमें से सारे बैक्टीरियाज, इम्प्योरिटीज भी अलग हो जाती हैं। फिर अगले प्रोसेस में सोयाबीन लिक्विड को कन्वेयर से होकर गुजारा जाता है, और जहां से ये पहुंचता है मैकेनिकल ऑयल प्रेस मशीन में, जिसमें बड़ी आसानी से खराब पानी अलग हो जाता है, और जो बाकी बचा हुआ लिक्विड होता है उसको एकदम ज्यादा प्रेशर से इस मशीन से गुजारा जाता है, और फिर उसमें से तेल निकलने लगता है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि रिफाइंड तेल अब तैयार हो चुका है, तो हम आपको बता दें कि इसे अभी रिफाइंड ऑयल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ मशीन की मदद से बना हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है, जिसकी कीमत भी रिफाइंड ऑयल से कई गुना ज्यादा है। रिफाइंड तेल बनाने के अगले प्रोसेस में इस ऑयल को रिफाइनरी बनाने के लिए सबसे पहले 400 डिग्री सेल्सियस पर इसे उबाला जाता है, और फिर इसमें कई एडिबल केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, और फिर इसके बाद दोबारा से इसे 600 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, ताकि इस तेल से चिपचिपाहट आसानी से खत्म हो जाए और इसमें से बास भी निकल जाए, और इस तरह से आपका रिफाइंड ऑयल अब बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद प्रोसेस आता है इसके पैकेजिंग का। तेल बन जाने के बाद फैक्ट्रीज में बनाए जाने वाले बाकी सभी प्रोडक्ट्स की तरह तेल को भी कैन और बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। अब पैकिंग के लिए सबसे पहले बॉटल्स को स्टरलाइज किया जाता है, और फिर उसे कन्वेयर बेल्ट के पास रखा जाता है, और एक मशीन की मदद से बॉटल को भरने का काम होता है, और फिर उसी कन्वेयर बेल्ट पर ही दूसरे मशीन की मदद से बॉटल्स को सील किया जाता है, और फिर अलग अलग ब्रांड्स के मुताबिक इसकी पैकेजिंग की जाती है, और यानी अलग अलग कंपनी के हिसाब से उस पर स्टिकर लगा दिए जाते हैं। तो अब आपका ये स्लो पॉइजन मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला रिफाइंड ऑयल को मैं स्लो पॉइजन क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने तेल बनाने की प्रोसेस में आपको बता ही दिया कि तेल बनने के बाद उसे रिफाइंड ऑयल में बदलने के लिए कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे तेल देखने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ ये रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है, और हमारे शरीर को अंदर से धीरे धीरे से कमजोर बनाने का काम करता है।
आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कई बार तो इसको बनाने के लिए एक खास तरह का साबुन मिलाकर 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसे साबुन इसके अंदर घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें पेट में कई तरह के रोग होना शुरू हो जाते हैं। और ये उड़ती खबर नहीं है, बल्कि कई ब्रांड्स को लेबोरेटरीज में टेस्ट किया गया और जांच में पाया गया कि तेल में से चिपचिपापन निकालने, स्मेल को निकालने के बाद ये तेल सिर्फ नाम का ही तेल रह जाता है। ऐसा करने से तेल के तो सारे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स तो निकल ही जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां, लीवर की समस्या, अल्जाइमर और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऑयल के रिफाइंड ऑयल में बदलने के बाद सिर्फ छूच रह जाता है। सबसे दुख की बात तो ये है कि इतना जानने के बाद भी हम उसी को खा रहे हैं। खाने में तेल डालने का मतलब ये है कि तेल के माध्यम से कुछ पौष्टिकता हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें वो बिल्कुल मिल नहीं पा रही है। हो सकता है कि शुद्ध तेल में से आपको गंध आए और चिपचिपापन भी लगे, लेकिन उसका यही चिपचिपापन तेल का इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है। जब तेल में से इस चिपचिपेपन को निकाल दिया जाता है तो वो तेल तेल नहीं रह जाता। इसी तरह से तेल की गंध उसका प्रोटीन कंटेंट होता है। दालों के बाद आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रोटीन तेल में ही होता है। तेल की गंध निकालने पर उसमें से फैटी एसिड की मात्रा भी निकल जाएगी। चिपचिपापन और गंध निकाल देने से तेल महज पानी रह जाता है और जो जहर से कम नहीं होता। रिफाइंड तेल खाने से घुटने व कमर दर्द, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस, ब्रेन डैमेज व हड्डियों का दर्द हो सकता है। वहीं शुद्ध तेल से दिल की बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। अब वहीं अगर हम कच्चे घानी या फिर कोल्ड प्रोसेस ऑयल की तरफ ध्यान दें तो वो काफी सेफ है, क्योंकि उसे बनाने के प्रोसेस में ज्यादा टेम्परेचर और केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए कोल्ड प्रेस्ड ऑयल काफी फायदेमंद साबित होता है। इनफैक्ट साल 2004 में लंदन से इंपीरियल कॉलेज ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के रिसर्च के अनुसार कोल्ड प्रेस्ड ऑयल शरीर के लिए सेफ ही नहीं बल्कि उसमें फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स भी भारी मात्रा में पाई जाती है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। साथ ही साथ इस तेल में विटामिन ई और फोलिक एसिड भी पाया जाता है, जो कि शरीर को किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाता है। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि जिस तेल को हमारे भारत में सदियों पहले खाया जाता था, आज उसी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की कीमत बहुत ही ज्यादा है और एक मिडिल क्लास फैमिली उसे खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और यही कारण है कि लोग एक तरह से रिफाइंड ऑयल या फिर कहें कि तेल के रूप में जहर खाने के लिए मजबूर है। अब इतनी बातें हो चुकी हैं तो आइए जान लेते हैं कि आखिर मार्केट में रिफाइंड आया कैसे। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक टाइम था जब भारतीय के घरों में कच्चे घानी तेल का इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम भी तेल के बीज को क्रश करके ही तेल बनाया जाता था और उसी तेल का इस्तेमाल हर काम के लिए हुआ करता था। और आज ये तेल कोल्ड प्रेस तेल के नाम से मार्केट में महंगे दामों में बिक रहा है। आज उत्तरी और पूर्वी भारत में सरसों का तेल का इस्तेमाल होता है, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। साथ ही तमिलनाडु में तिल और मूंगफली और केरल में नारियल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं कई घरों में देसी घी का भी इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। फिर साल 1937 में तेल के मार्केट में बड़ा बदलाव आया, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि तब लीवर ब्रदर्स के नाम से जानी जाती थी, उन्होंने डालडा लॉन्च किया। डालडा, वो नाम जो कभी भारत के अधिकांश घरों में सुनने को मिल जाता था। वीकेंड का कुछ स्पेशल खाना पीना हो या फिर त्योहारों की डिश बनानी हो, डालडा का इस्तेमाल ही होता था। 25-30 सालों तक डालडा ने बाजार पर इकलौता राज किया। इसके बाद रसोई में डालडा के टीन के डिब्बों की जगह प्लास्टिक के डिब्बों और फिर पैकेट्स ने ले ली, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उस वक्त कम ही घरों में रेफ्रिजरेटर हुआ करते थे। और जो इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से लोगों का मन पसंद बन गया था, उस समय डालडा काफी बेहद सस्ता था। फिर ऐसा वक्त आया कि रिफाइंड ऑयल ने धीरे धीरे वनस्पति घी को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। साल 1980 तक डालडा भारतीय मार्केट पर राज करता रहा, लेकिन फिर दौर आया रिफाइंड ऑयल का और उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती गई और वनस्पति घी का धीरे धीरे नामो निशान मिट गया। दोस्तों, गर्मा गर्म समोसे हो, सब्जी हो, पकौड़े हो या फिर किसी भी तरीके का खाना हो, आजकल हर डिश में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत आम हो गया है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।